जाने तमन्ना। भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना। भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए। ये रात ये बरसात ये सावन का महीना, ऐसे में तो शोरों को भी आ जाए पसीना। इस रुत में गरीबों की दुआ क्यों नहीं लेते, इस रुत में गरीबों की दुआ क्यों नहीं लेते। भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, इस रुत में गरीबों की दुआ क्यों नहीं लेते। भीगे हुए मौसम का मजा आवाज हल्की निकली है। वाह 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 वाह। चलो छोड़ नहीं निकल। जीवे पाकिस्तान 2.0 के एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं और साथ ही मौजूद हैं अजहर, अरशद, अमजद, अजहर दी बैंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और तालियों में इजाजत की तरफ से। और नाज़रीन मोहतरम आपको भी हम दिल की गहराइयों से एक बार फिर अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारी तालियां आप लोगों के लिए भी। आज मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं, उसके बाद मेहमानों को बुलाऊं। इंसान बुनियादी तौर पर दूसरे इंसान के लिए दुख बांटने के लिए आया है। दुख बांटना, किसी घर में परेशानी होती है, दुख होता है, तकलीफ होती है, दर्द होता है, वो चाहते हैं कि अपने इस दुख दर्द को बांट लें। आजकल तो ऐसा होता है कि रिश्तेदार वो दुख नहीं बांट सकते। अजीम है वो लोग, अजीम है वो लोग जो अपने आप को मजाक बनाकर दूसरों को हंसा देते। मुझे अच्छी तरह याद है किंग ऑफ कॉमेडी चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन हमेशा बारिश में रोया करता था। चार्ली चैपलिन हमेशा बारिश में रोया करता था। लोगों ने उसे पूछा कि आप बारिश में क्यों रोते हैं, तो उसने कहा क्योंकि मैं लोगों को हंसाता हूं, मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे आंसू देखें। तो आज आप आमिर लियाकत हुसैन पर तनकीद करते हैं और कहते हैं आमिर लियाकत हुसैन ने नागन बन गया, फला बन गया। अगर मैं नागन बना या मैंने कोई भी काम किया, आप तो हंसे। क्या कहने, वाह वाह। मजाक मैंने अपना उड़ाया, आपका तो नहीं उड़ाया। आपके घर में तो आपकी माँ के चेहरे पे खिलखिलाहट नमूदार हुई होगी। आमिर भाई, आप तो अपनी जिंदगी में अपनी माँ को हंसा ना सके, इस औलाद को देख लो जिसे तुम्हारी माँ को हंसा दिया। जिंदगी इसी चीज का नाम है। अच्छे और सच्चे लोग वो होते हैं जो अपने आप को तनकीद का निशाना बनवाते हैं, किसी और को नहीं बनवाते। हम अपना मजाक खुद ही उड़वा देते हैं। आप क्या उड़ाओगे हमारा मजाक? मजाक उड़ता है, लोग हंसते हैं, लोग हंसते हैं, लोग खुश होते हैं। हम अपना मजाक उड़ाने नहीं आते, लेकिन इसलिए आते हैं ताकि आपके चेहरे पर, आज जो मुल्क के हालात हैं उस वजह से हर आदमी परेशान है, हर आदमी तकलीफ में है। उसको कैसे चेहरे पर उसकी मुस्कुराहट लेकर आए? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए अपना चोला बदलना पड़ता है। क्या कहने, वाह वाह। अपना चोला बदलना पड़ता है। मेरे जिस्म पर जो चोला है वो मेरे जिस्म का चोला आज से नहीं बल्कि 22 साल से लोग जानते हैं कि मेरे जिस्म पर क्या चोला है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि चारों तरफ मायूसी है, परेशानी है, दुख है, तो फिर मैं वो कुछ करने लगता हूँ कि जिसकी वजह से लोग हंस पड़े थोड़ी देर के लिए, चाहे वो हंसे, चाहे वो तदकीद करे, अपने दुखों को भूल जाए। आप अगर चेहरे पर एक मरतबा मुस्कुराहट लेकर आए हैं तो याद रखिए, मुस्कुराहट लबों के हिलने का नाम है। जिस घर में लब ही खामोश हो जाए, उस घर में टेलीविजन स्क्रीन पर आकर अगर आमिर लियाकत ऐसी हरकत करे कि लब हिलने लगे, तो सलाम है उन लबों को भी और सलाम है उस हंसाने वाले को भी। मुझे मुझे मुझे
मुझे किसी ने बताया, तो मैं ये वाक्य बता रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ, फिर मैं अपने मेहमान की तरफ बढ़ूंगा, कि अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट में एक साहब का डायलिसिस हो रहा था। तवज्जो से सुनना भाई आप सब लोग, ये सब हम क्योंकि पूरी हमारी टीम है, हमारी पार्टी है, हमारी पहाड़ी और ये पहाड़ी, ये सब हमारी पहाड़ी है, तो जाहिर है कि ये अजहर है, ये मैं हूँ, ये हमारी पहाड़ी है। तो इस पहाड़ी के अंदर बताना चाहता हूँ, ये बड़े बड़े बड़ी अजीब बात है, मैं बता, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट गुलशन इकबाल, एक साहब का डायलिसिस हो रहा था, हफ्ते में उनका 3 मरतबा डायलिसिस होता है। इस बार उनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और कहा था कि बस ये आप आखिरी डायलिसिस कराएं, तो उन्होंने जीवे पाकिस्तान लगाया हुआ था। तो जैसे ही वो नागन वाला डांस हुआ तो वो बुजुर्ग देखकर हंस पड़े, तो डॉक्टर साहब जो डॉक्टर खड़े थे उन्हें, उनके बेटे ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आप क्यों हंसे, कह रहे आमिर लगा, देखो क्या हो गया, तो मैं हंस रहा हूँ। तो हंसने के बाद जब उनको चेक किया तो उन्होंने कहा कि अब आपके आखिरी डायलिसिस की उम्मीद नहीं रही है, अब होते रहेंगे, आपके अंदर दोबारा से रवानी जिंदगी की आ गई है, आपके अंदर फिर से जीने की उमंग जाग उठी है, तो अगर किसी एक अमल से कोई जी उठे तो उस आमिर लियाकत को आप क्या कहें। तो मुझे यही बातें कहनी थी कि पॉजिटिव वे में भी सोचा करो, सिर्फ नेगेटिव नहीं सोचा करो, पॉजिटिव वे में भी सोचा करो कि इंसान क्या होता है। तो आप बताओ कैसा दिया, अच्छा दे दीजिए, अच्छा दिया नहीं दिया, आम खाया आम। मैं अपनी किसी चीज से शर्मिंदा नहीं होता भाई, जो किए होशाबाज में किए, अभी फिर आ जाए कोई आम का महीना खिला के दिखा दूंगा आम। तो हमारे आज के जो मेहमान है, सबसे पहले उनको हम बुलाते, वो भी मेरे जैसे ही है, मेरे जैसे मुराद ये कि खुलकर बात करते, उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं होती क्या गलत क्या बुरा, अपनी बात क्या होगी। अल्लाह ने दुनिया में भेजा आपको अपने लिए जीने के लिए, अपने लिए जीने के लिए, ताकि आप दूसरों के लिए जी सको। पहले अपने लिए जियोगे तो दूसरों के लिए जियोगे ना, जब अपने लिए ही नहीं जी सकोगे तो दूसरों के लिए क्या जी सकोगे। कोई मुझे, कोई मुझे यहाँ नागन बनने के एक्सप्रेस से 5 लाख रुपए थोड़ी दिए थे, मैं तो इसलिए नागन बना या मैंने ऐसे इसलिए काम किए, शायद किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, शायद कोई कह रही है यार हमें लागू देखो क्या कर रहा है। ऐसे कभी कभी होता है कि इंसान का खून बढ़ जाता है। तशरीफ लाते हैं हमारे शोबिस के मेहमान, एक बहुत टैलेंटेड उभरते हुए स्टार है, थिएटर हो या ड्रामा, फिल्म हो या होस्टिंग, इन्होंने हर शोबे में खुद को बनवाया है और बहुत कम वक्त में ज़्यादा नाम कमाया है। थिएटर पर हाफ प्लेट और आंगन टेढ़ा समेत कई ड्रामों में बेहतरीन अदाकारी की बदौलत जुदागाना पहचान रखते हैं। अब मैं आपको एक बहुत बड़े आदमी की मिसाल दूँ, एक ऐसी मिसाल देना चाहता हूँ, बहुत बड़े आदमी की मिसाल देना चाहता हूँ, मैं उनके आगे कुछ भी नहीं वल्ला कुछ भी नहीं, लेकिन उनके जनाजे में मैं शरीक था, उनके जनाजे में शरीक, उनका नाम था मुइन अख्तर। क्या मुइन भाई, उनका नाम था मुइन अख्तर। अजीत पुरी भाई, मुइन अख्तर ने जिस जमाने में इमरान असलम साहब का तहरीर करता रोजी ड्रामा कबूल किया था, तो रोजी ड्रामे में मुइन अख्तर ने अपनी हैयत तब्दील कर दी थी। रोजी ड्रामे में मुइन अख्तर औरत बन गए थे, खातून बन गए थे, खातून बनने के बाद उन्हें ड्रामे में लोगों को हंसाया और रुलाया, हंसाया भी रुलाया भी, लोगों ने कहा क्या मुइन अख्तर को हो गया है, जनखा बन गया है। लेकिन जब जनाजा देखा तो किसी आलिम का भी इतना बड़ा जनाजा नहीं था जो मुइन अख्तर का जनाजा। तो इसलिए कहना यह है, आप लोगों को समझाना यह, किसी के बारे में जजमेंटल मत हुआ करें वरना मेंटल हो जाएंगे। सिर्फ जजमेंट अपनी रखा करें अपने पास, जजमेंटल मत हुआ करें। तशरीफ लाते, हर शोबे में खुद को बनवाया है और बहुत जिंदा दिल है, दिलचस्प शख्सियत के मालिक है, भरपूर तालीम में उनका इस्तकबाल कीजिए, इनका काफिया जरा बनाते हैं। जिनके हैं साथ मिलके बोलो भाई, ठीक है, जिनके हैं दुनिया में लाखों फैन जो हैं हमारे दिल का चैन और जिनको नहीं आता चुप रहे बगैर चैन तशरीफ लाते हैं यासिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, ही इज माई आइडियल एंड ही इज अ क्रिएटर ऑफ डार्क जोक्स, बाकी तो जोक मैंने बात किए डार्क जोक्स से बनाते हैं, मैं तो डार्क जोक्स बना के डार्क में चले जाता हूँ। ये डार्क जोक्स बना के भी वहीं पर मौजूद रहते हैं। जमाने से लड़ना, अपनी बात पर कायम रहना और अपनी बात को साबित करना
कोई सीखे तो यासिर हुसैन से। पहले आपसे थोड़ी सी बातें कर ले। इतनी तारीफ कर दी आपने, अब क्या बात रहेगी? यासिर भाई आपसे मोहब्बत हो गई, वैसी मोहब्बत हो गई सच। सर आपसे बहुत प्यार है हमें। मैं एक चीज बता दूं कि अभी हम बैक स्टेज बैठे थे तो वो आमिर भाई के क्लिप का जिक्र हो रहा था जो आजकल बहुत वायरल हुआ है। हाँ तो वो बजाना मत, बजाना मत। अंदर से निकल आते हैं तो मैंने शो जरा बढ़ने दे। आपने सपेरे का लुक देखते ही आपके अंदर की नागन बाहर आ रही है। यूसुफ भाई के कपड़े हैं ये, वो आपको बहुत सलाम कर रहे हैं। अरे अरे अरे, तो वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आपने ऐलान किया था ना कि आप एक एंटरटेनर हैं, उससे लेके इस लम्हे तक आपने इतना एंटरटेन किया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और मैं कहता हूँ इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि चाहे इन पे हंसा जाए या इनका क्लिप देख के हंसा जाए, लोग एंटरटेन होते हैं। मैं समझता हूँ सारी मेजबानी आप सब लोगों का प्यार है, मेरी टीम है सब तकरीबन, यहाँ लोग बैठे हैं, इना साहब बैठे हैं, यहाँ अजीत बैठे हैं, इमरान सारी है, सारे लोग ये लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मुईज़ हैं, ये सब लोगों की मोहब्बत है, प्यार है और आप लोगों का है कि इन चीज़ों को महसूस करते हैं कि एंटरटेनर क्या होता है। एंटरटेनर का काम यही होता है, अब आप उसको कुछ भी कहते रहे बट उसका काम होता है आप लोगों को हंसाना, आप लोगों को खुश रखना। आप खुद बताएं यासिर भाई, इतनी तकालीफ है, इतनी परेशानी है, आप कितने कितने रास्तों से गुजर के आ रहे होंगे, बंद होंगे, अगर नहीं भी बंद होंगे तो बंद होते, तो उस हालात में इंसान इतनी जब ट्रेजेडी में आ जाए तो सिवाय कॉमेडी के और कुछ रहता नहीं है जिंदगी के इंसान। बात बिल्कुल ठीक है। तो हमारे यासिर हुसैन साहब जो है वो इनके लिए मशहूर ये है कि ये लगी डिप्टी नहीं रखते बिल्कुल, और जो कुछ कहना होता है, जो कुछ करना होता है कर गुजरते भरे मजमे में। काश मुझे भी ऐसा मौका मिलता, कभी मिल नहीं सका, लेकिन अब मिल जाएगा। तो भरे मजमे में अपनी अहलिया को शादी की पेशकश की, लोगों ने पढ़ा उसका बारे में क्या कुछ नहीं कहा। वो भाई अपनी बीवी को किए शादी की पेशकश, आपके घर में घुस के तो नहीं की। अदाकारों ने लोग जो को तो, और फिर अब बीवी का नाम भी इकरा है, तो शादी की पेशकश करने से पहले इंसान को पढ़ना पड़ता है, पढ़ तो पहले पढ़ा कि भाई ये इकरा है। पढ़ने के बाद जो लिखा हुआ था वो पढ़ दिया, नहीं लिखा हुआ नहीं था, दिमाग में जो लिखा हुआ था वो पढ़ दिया। पढ़ने के बाद शादी हो गई, आज माशाल्लाह दोनों खुशी से रह रहे हैं, अल्लाह ताला जोड़ी सलामत रखे। इसी तरह दोनों खुश, इनकी मैं देखता रहता हूँ, परसों इन लोगों की एक वीडियो देख रहा था मैं, यूँ मुड़े फिर दोनों, फिर यूँ मुड़े, फिर यूँ मुड़े, तो मैंने कहा एक है आपकी बनी हुई है वो, आप वो क्या कहते हैं उसको, बूमरैंग टाइप की थी तो बनी हुई थी। अच्छा उसकी बात ये कि जो बात यासिर को खटकती है वो ये कि मर्दों के लिए ड्रामों में कोई किरदार नहीं और ख्वातीन के लिए सारे रोड़े धोने वाले किरदार, ये आपको बड़ी खटकती है बात, क्यों खटकती है? ये सच है कि आदमी के लिए कहाँ है कोई किरदार, कोई नहीं। एक ऑफिस में काम करने वाला लड़का है जो जिसका अफेयर चलता है, मैक्सिमम यही है और कुछ मैक्सिमम यही, या फिर वो कोई छेड़खानी करने वाला आदमी होगा। बिल्कुल, बस दो तरह के आदमी होते हैं, या फिर वो कोई बॉस होगा जो बड़ी उम्र का होगा मेरी तरह का। नहीं बड़ी, वो आपसे बड़ी उम्र के होते हैं। अच्छा मेरी बड़ी उम्र में, देखिए मैंने तो बड़ी उम्र का होके काम किया ना सारा। अच्छा 7 बजे के बाद तो आपका रूप ही और होता है। हाँ 7 बजे के बाद तो एक अंदर की नागन बस आँख देख छोड़ा। अच्छा ये अपने आने वाली फिल्म में इनकी फिल्मों के नाम सुने आप। इनकी आने वाली फिल्में पीछे तो देखो, अभी कितना अजीब और गरीब बात है, पीछे तो देखो। आज भी अगर चलता भी जा रहा हो तो पीछे तो देखो, क्या देखो, पीछे देखो। उसके बाद इनकी फिल्म है पीछे तो देखो, कौन कह रहा है चौधरी। और फिर टेलीफिल्म इनकी आ रही है, मेरी भी टेलीफिल्म ये लोग ला रहे, पता नहीं लेके भी आ रहे कि नहीं आ रहे। हमारे डायरेक्टर बता दो, बता दो आ रही है नहीं आ रही, आ रही कह भी कसम खा के कहो दिल भाई आ रही है, कसम खा के कहो दिल भाई आ रही है, हिना साहब आ रही है, आ रही है। अच्छा मेरी भी टाइम, हमारे डायरेक्टर एक ही है, ऐफी भाई। ऐफी भाई आ तो वो बस करो ना, मैंने की और आपने किया गुरु चेला। नहीं मैंने गुरु चेला नहीं की, मैंने दूसरी किया, कोई और किया। हाँ। नाम नहीं बताओ? नहीं उसका नाम नहीं, अभी नहीं बताना मुझे, बता मुझे खुद नहीं पता। अच्छा ठीक। अच्छा अच्छा उसके बाद इकरा अजीज के साथ जो इनकी अहलिया है हमारी भाभी हो गई, उनके साथ ड्रामा सीरीज झूठी में नमूदार हुए और फिर हर एक को मुतासर किया।
बेसिकली वो उसका मरकजी ख्याल जो था वो मरियम नवाज को सामने रख के बनाया गया था या मैं ऐसी बन गया था? ऐसी सवाल कर रहा हूँ, झूठी की वजह से इकरा शादी के बाद से पहले बहुत फजूल खर्च थी, अब यासिर हुसैन ने उनकी फजूल खर्ची को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यासिर बहुत कंजूस है, बल्कि आज भी दादियों पर निगाह रखना अपनी अहलिया यानी इकरा अजीज को महंगे महंगे तहाइफ खरीद के देते हैं। एक साहब से हम दोनों ही मुतासर हैं और इसलिए मुतासर हैं कि मेरे ख्याल है कि उनके पाए का कोई आदमी अब पाकिस्तान में पैदा नहीं। फिर मैं अपनी दूसरी मेहमान को बुलाता हूँ, क्योंकि जैसे यहाँ पे आई भी खुलती है इसका मतलब होता है बुलाओ भाई दूसरे को बुलाओ, तो अभी बोलने से पहले तुझे बता रहा हूँ बुला रहा हूँ मैं। तो ये एक हम दोनों एक दूसरे मुतासर एक साहब से और उनका नाम है अनवर मकसूद। अभी यहाँ आने से पहले मैं उनसे मिल के आ रहा हूँ। मिल के आ रहे हैं? मेरा आप जब भी जाइएगा उन्होंने मुझे वो बहुत वो अभी शो देख रहे हैं, वो मुझे बहुत प्यार, अनवर साहब आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं मुझे पता है, कभी मुझे भी चांस दें जैसे इनके साथ आप कर रहे हैं, कभी मुझे भी कोई बनाए कोई चौधरी वौधरी कोई बात कोई बिजनेसमैन कोई सियासतदान जरा बना के देखे, जरा मजा आएगा दोनों मिलके करने। अभी अनवर साहब ने जब मुझे देखा है सुलिया में तो कहते हैं कि तुम सपेरे बन के कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा मैं नागन पकड़ने जा रहा हूँ। अनवर मकसूद साहब की जो बहन थी फातिमा सुलेब, उनका तो आपको पता है पूरा घराना बिल्कुल मकसूद हमीदी साहब, अनवर मकसूद साहब, फातिमा सुलेब भजिया, जहरा ने कहा। मैं बता रहा हूँ कि जो फातिमा सुलेब भजिया थी वो हमारी अम्मी की दोस्त थी। वाह वाह। और हमारी अम्मी को जितना आगे बढ़ाया है उन्होंने, क्योंकि ये एक जाहिर है उनसे बड़ी थी, लेकिन ये एक दौर था कि बेगम राना ब्याखदरी खान ये लालटेन का निशान होता था और अनवर मकसूद साहब का पूरा घराना ये सब लालटेन के साथ, क्योंकि ये लोग हमेशा अमरियत के खिलाफ रहे तो ये लालटेन के साथ खड़े थे। उस ज़माने में कौन सी लीग बनी थी, एक कन्वेंशन लीग थी, कौन सी लीग थी, कन्वेंशन अयूब खान ने बुलाया था, कौन सी लीग जो थी वो राना लियाकत बेगम फातिमा जिना की थी। तो फातिमा जिना के साथ भजिया ने भी काम किया, फातिमा जिना के साथ अम्बी ने भी काम किया और लालटेन निशान था बेगम फातिमा जिना का। और राना लियाकत अली खान साहब ने अब्बा बनाया था ऑल पाकिस्तान वीमेन एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी भजिया बहुत काम करती थी। भजिया अपनी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आदत के साथ और मैं जितने घर में मैं मिलाद पढ़ता था भजिया बैठ के सुना करती थी। वाह वाह। तो मुझे भजिया से मोहब्बत है। तो अनवर साहब कभी आप मुझे भी अपने साथ ज़रूर चांस दीजिएगा, यासिर को आपने बना दिया हमें भी कुछ बना दीजिएगा, आप बना सकते। और अब मैं जिन खातून को बुला रहा हूँ, मुझे उनका अंदाज़ तकल्लुम बहुत अच्छा लगा, वो जब आई जब तशरीफ़ लाई तो मैंने पहली मरतबा उनसे मुलाकात की, मेरी उनसे पहले कभी मुलाकात नहीं, उन्हें आते ही मुझे इतनी मोहब्बत से इतने प्यार से आमिर भाई कहा कि मैं अब उन्हें कुछ मजीद कह नहीं सकता। कह दिया उन्होंने? कह दिया। ये शुरू में गड़बड़ कर दी ना। हाँ शायद न्यूज़ दिया। मैं वहाँ चाय पी रहा था, काश के मैं सुकमा ना होता। काश आप चाय वाले को पकड़े। हाँ है चाय वाले। तो एक ऐसी बात सारी फनकार है जिन्होंने करियर के आगाज ही में और कहने लगी मुझसे कि आमिर भाई क्या खूब रौनक मेला आपने लगाया हुआ है, दिल खुश हो रहा है देखकर, लेकिन मुझे भाई बार बार आ रहा था ना तो उसकी वजह से चलो खैर कोई बात नहीं आइए। तो बेलापुर की डायनो या दिल गुमशुदा की अलीज़े, इन्होंने अपनी शानदार अदाकारी से हर एक को महजूज़ किया है और बहुत कम अरसे में मकाम हासिल कर लिया है जिसे हासिल करने में बरसों लग जाते हैं, हर जगह इनके काम की धूम मची हुई है। इन दिनों ड्रामा सीरियल क़यामत में भी क़यामत ढा रही हैं और जब आ रही थी तो क़यामत ही ढा रही थी। तशरीफ लाती हैं भरपूर दादियों की गूंज में, इस बासलाहियत अदाकारा का इस्तकबाल कीजिएगा। तशरीफ लाती हैं ड्रामा, अच्छा इनका भी काफिया मिला रहे थे। किस्मत है जिन पर मेहरबान, किस्मत है जिन पर मेहरबान, किस्मत है जिन पर मेहरबान, किस्मत है जिन पर मेहरबान। ड्रामा इंडस्ट्री है कहा भाईजान है, हाँ जिन्होंने आते ही मुझे कहा भाईजान, जिन्होंने आते ही मुझे कहा भाईजान। तशरीफ लाती है अमर खान। कैसी है अमर आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसे? होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, ये गाना था अमर खान जी नहीं ये तो पुराना गाना था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बहुत गाया करता था एक ज़माने में। साढ़े सात से आगे पढ़ना चाहिए, अब कसौटी की तरफ पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अमर खान को भरपूर पसीराई
इसे नमेरी के ये एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं, बेहतरीन राइटर हैं, और ड्रामा सीरियल बेलापुर की डाइन में इन्होंने किरदार अदा किया। हमारी मुलाकात पीटीवी में भी हो चुकी है एक बार समय, और पाकिस्तान टेलीविजन में आज ये हो चुकी है। हम भी आपको सरप्राइज दे सकते हैं ऐसी बात, बिल्कुल। और अम्मी के साथ हुई थी और इनकी अम्मी ने मुझको पसंद किया था। बात कहां रुकी? है? बात रुकी कहां फिर? बात रुकी इस बात पर कि अम्मी ने पसंद किया, फिर अम्मी ने देखा कि मामला तो हाउसफुल है, आगे चलते नहीं, मेरे ख्याल से उसके बाद आपने तौबा कर ली। हाँ, लेकिन 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 उससे पहले ही तौबा कर ली थी, उससे पहले तौबा। दिस इज यासिर खान, यासिर हुसैन, ये बात इसी हिसाब से बात करने मजा आता है। अच्छा, उसके बाद फिर ये कि चार इनको जो है वो ड्रामा सीरीज की ऑफर हुई और नेशनल ड्रामों की ऑफर हुई, और फिर लगा कि कई मखसूस किरदारों की छाप इन पर न लग जाए, तो इनकी फिल्म दम मस्तम मुकम्मल हो चुकी थी और हो चुकी है और रिलीज़ की मुंतजर है। इस फिल्म में इन्होंने इमरान अशरफ के मुकाबले लीड रोल भी अदा किया। 9 महीने बाद आएगी तो फिल्म, बस जब भी आए आप, हर चीज 9 महीने बाद ही आती है। हाँ, हाँ, जी 9 महीने नहीं, क्योंकि कोविड को जाते जाते 9 महीने अंटिल और अनलेस वो हाथी का बच्चा हुआ 18 महीने बाद। हाँ, अंटिल और अनलेस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हाथी का है, वो यकीनन किसी ऐसी चीज़ का है जो 9 महीने में हो जाती है। कसौटी की तरह आ जाते हैं, वरना हम दोनों अगर शुरू हो गए तो फिर बस जो भी आए सेहतयाबी से आए, चाहे 9 महीने जो भी आए सेहतयाबी से आए, लेकिन इंक्यूबेटर में न जाए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसे हम गोद में ले फौरन। हाँ जी, हाँ, तो हम चलते कसौटी की तरफ, क्योंकि अगर हम दोनों बोल पड़े तो आज सिर्फ हमारे दोनों के प्रोग्राम के क्लिप चल रहे होंगे, फिर हम याद सोचेंगे, तो बेहतर ये कि आप कसौटी की तरफ पढ़ते। आज कसौटी, आप दोनों ने क्या सोचा है? अब मैं इस तरफ आ जाता हूँ, सोच तो आपने लिया है। बड़ा सोच के हम आए, हम कह रहे थे कि ये इतने इंटेलिजेंट है, हर चीज तो ये गेस कर ले। अपने पास लिखा हुआ है ना? हाँ जी, जी जी लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, तो पहला आप ये टेबल पे उल्टा करके रख दे, कोई देखेगा तो। जेब में असल में ये जेब काटने वाले भी है ना करीब। चले, अब पहला हम करते कि 20 इशारे यहाँ पर, ये आदमी ईमानदार है, हटा देगा। ये बताइए कि अच्छा, इनकी वालदा बड़ी जबरदस्त खातून, बहुत जबरदस्त अदाकारा। मैं आपको बताऊं कि उनकी उनके अंदर अदाकारा तो अपनी जगह अपनाइयत और मोहब्बत बहुत ज्यादा, खास तौर पर जो है वो, और वो आपका शो इस वक्त देख रही होंगी। वो हर रोज इफ्तार के बाद बैठ जाती हैं और इतना एंटरटेन होती है, और आज वो बहुत एक्साइटेड थी कि हम बस, अब वो बेचारी मुझे देख ही सकती है, आज सोचा तो बहुत कुछ था उन्होंने देखने की, कोई बात नहीं, ये भी होता है। ये बताए कि शख्सियत मर्द है या औरत? अच्छा, वैसे इसमें होता है कि शख्सियत मर्द है और मैं कहूंगा हाँ या ना। हाँ, ये तो अब आप कल अभी आप पूछेंगे, वो ये है 20 साल की है कि 20 साल की, तो ये तो नहीं होगा। इसी तरह नहीं, एज फैक्टर आगे जाके पूछूंगा, आखिर अभी ठीक है। शख्सियत औरत है, मतलब जिंदा है, जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। दो हो गए भाई, दो जिंदा भी सवाल है। शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक जी? तीन जिंदा है और फिल्म भी की है, फिल्म की है, फिल्म फिल्म निकालो काटो, फिल्म 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 की है, फिल्म में ज्यादा की है या कोई एक ही की है? अब ये सवाल आपका ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड नहीं है, मगर देखिए मैं तो निकलवा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि ज्यादा की है या मैं ये कह रहा हूँ कि या तो किसी ने एक फिल्म की होती है, कोई एक ही फिल्म की थी, कोई नजर करके आ जाता है, ज्यादा किया नजर जैसी तो नहीं की है? ये सवाल है तो नहीं कि आप आपस में बात कर रहे हैं? नहीं, आपस में बात कर रहे हैं। ठीक, आप फिल्में ज्यादा किए भारत में जाके काम तो नहीं किया? आपका सवाल क्या है? भारत में जाके काम तो नहीं किया? नहीं किया भारत में जाके काम तो नहीं किया नहीं नहीं का मतलब क्या हुआ कि नहीं किया तो फिर हाँ भारत में काम किया तेज हो गई धड़कने भारत में काम किया भारत में एक से ज्यादा फिल्मों में काम किया नहीं एक में किया ये दूसरा सवाल है नहीं नहीं
पूछ रहा हूँ। नहीं पहले वाला एक पूछे मुझे। अच्छा एक में किया है, है? दूसरा सवाल एक में किया। एक पहुंच गए। अभी कर दो, अभी कर दो, कर दो, नहीं पहुंच, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए। अपना नाम बार बार बदलती तो नहीं रही? नहीं नहीं। चलो ठीक, तुम भी बोल सकती हो, तुमने भी सोचा। हाँ, हाँ। अच्छा ताल्लुक कराची से था? नहीं, कराची में रही नहीं हूँ। अब आके रही हो तो मुझे नहीं पता। नहीं नहीं नहीं, जब रहती जहाँ भी। ताल्लुक कराची से क्या होता है? मतलब कराची से कि उनकी रिहाइश कराची में थी? नहीं, नहीं। उनकी कराची में रिहाइश नहीं थी? नहीं, नहीं। वो कराची की रहने वाली नहीं थी? नहीं। ये नहीं, देखिए देखिए, ये तीन सवाल हैं। आप एक सवाल पूछ रहे हैं, मैं बता रही हूं। आप लोग अभी कहाँ रह रहे हैं? कराची में रह रहे हैं? कराची में। कहीं के भी रहने वाले हो? रहे तो कराची में रहे। हाँ, वो नहीं रह रही। नहीं रह रही। नहीं नहीं, अब नहीं रह रही की बात नहीं, रह रही थी। कब? जब नहीं रह रही यहाँ पर। ये एक और सवाल हो गए। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, जब यहाँ नहीं रह रही तो पहले तो कराची में रह रही थी, अब तो नहीं रह रही यहाँ, मुझको पता है। लेकिन कराची में आपका सवाल था, वो कराची में रह रही है, मैंने कहा नहीं रह रही। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, लेकिन पहले तो रह रही थी। निकाल दिया आपने, वो निकाल क्या सवाल है? पहले रह रही थी। पहले रह रही थी? नहीं, निकालो निकालो। यानी कराची में कभी रही नहीं है? ये आप ये मुझसे पूछ रहे हैं कि वो एक दो दिन के लिए आई है? अरे कराची से कोई ताल्लुक नहीं है, है? कराची से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक क्या होता है, कि पैदा हुई है या नहीं? नहीं पैदा नहीं। सवाल ये है, आप तो पढ़ाए जा रहे हो सवाल यार। तो मैं क्या करूं, आप पूछ रहे हैं कि कराची से पैदाइश है? नहीं, कराची में उनका घर था, अब नहीं है। नहीं था। निकालो एक सवाल और। चलो नहीं, अरे वो निकालो, निकालो ना। नहीं था ये लड़का, तो खास आमिर भाई का। नहीं नहीं, नहीं था। कॉमेडी कराची के करीब था। हिंट दे देता हूँ, कराची के करीब था। हिंट दिया वैसे मुफ्त, कराची के करीब। अच्छा ये बताओ, आप अपना जो ये मैम ये ऊपर भी सब लोग लगे हुए हैं ना? हैं? नहीं खुद ही नहीं, कुछ आपको पता नहीं। यासिर भाई, आपको पता है मैं ये काम नहीं करता। आप और हम एक जैसे, आप और मैं ये भी करते हैं, फायदा क्या फिर जहानत का भी? क्या ये बताएं कि आप कॉमेडी भी की है? कॉमेडी भी की है उन्होंने? कॉमेडी कॉमेडी की है। निकाल निकालें भाई, निकाल। वो मैं उधर ही ना आ जाऊं। नहीं आप ना वो करेगा कॉमेडी की। अब मैं एक सवाल कर रहा हूँ, अब इसमें मुझे कुछ थोड़ा सा। उनका कद लंबा है या छोटा है? सवाल एक करें मैं जवाब दूंगा। नहीं आप मुझे डिस्कशन एक जवाब दे दें, एक दे दें इसमें से एक जवाब। नहीं आप मुझे एक सवाल पूछें। लंबे कद की है? हाँ। लंबे? नहीं। एक मिनट एक बार हमें सोच। 5455 लंबा ही खत होता है। हाँ ठीक है, लंबा ही होगा। औरतों के लिए 5455 लंबा ही लंबा। और क्या चाहिए? हाँ 7-8 चाहिए क्या? 5455 लंबा खत। शादी उन्होंने देखी अभी तक? उन्होंने अभी तक शादी नहीं की? शादी नहीं। शादी नहीं, शादी नहीं की, शादी नहीं की। क्या आखिरी गेंद पे जीतेंगे? गेस वो कर रहे हैं, टेंशन हमें हो रही है म्यूजिक से। यार हमारे हमारे पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनका नाम है कमर जावेद बाजवा। तो हम उनको ज़ाहिर है कि कमर जावेद बाजवा साहब की बहुत मोहब्बत करते हैं, सब प्यार करते हैं। तो कमर कहते हैं हम चांद को, चांद को हम कमर कहते हैं। इससे उनका क्या ताल्लुक है? मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, बात कर रहे हैं आपस में, बात कर रहे हैं। तो वो भी चांद की तरह चमकती है? ये सवाल है? हाँ जी, हाँ चमकती है। हैदराबाद की पैदाइश है ये? अब मुझे पता, ऊपर भी काम है। हाँ हाँ, मैं यार मैं आपसे कमर तक आया हूँ तो मैं हैदराबाद की बजाय सबा कमर। एक ऑफर लेते वक्त के बाद हाजिर होते हैं और जीवे पाकिस्तान 2.0।
जीव पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, लेकिन जीव पाकिस्तान नहीं, जीव पाकिस्तान 2.0 में आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं यासिर और उनके साथ मौजूद हैं अमर। अमर कहते हैं किसी भी चीज को जवाल ना हो जिसका, जो कि जवाल पजीर ना हो, गैर जवाल हो। तो ये अमर खान है, अमर खान। सीरियस बात नहीं करते, मुझे लगता है आगे से कोई चुटकुला है इसका। देखिए, एक खान को सवाल नहीं है, एक अमर को सवाल नहीं है। ये तो खान में से कुछ अरसे में पता चलेगा। कि क्या होगा। लेकिन बहरहाल अमर अमर है, और अमर हुकुम को भी कहते हैं, अमर हुकुम को भी कहते हैं। तो ये बहुत मेरा अपना जाती ख्याल है। नामों वैसे आपको बताऊं, नामों की मुझे बड़ी अच्छा। मेरे नाम का कुछ बताएं। अभी बताता हूँ मैं आपको, आपका तो मैं ऐसा बताता हूँ। हाँ, ये जो है ये बहुत डोमिनेटिंग नेचर की होंगी 100%, और ये अपनी बात मनवाने की बहुत इनको आदत होगी कि इनकी ही बात मानी जाए, क्योंकि अम्र है, अम्र हुकुम, मेरी बात मानी जाए। अपनी मर्जी से इंतखाब करेंगी, आप कोई कोई पसंद नहीं आएगी कहानी नहीं करेंगी, हटा के फेंक देंगे, नहीं करेंगे। हालांकि वो चाहे लाख मकबूल हो जाए बाद में आगे जाके, और अगर किसी कोई कहे अगर वो तुम कर लेती तो अच्छा था, तो कहा क्या अच्छा था, मेरी मर्जी, मैंने नहीं की, मैं चाहूँ मैं नहीं करूँ। इसी तरह जीवन साथी के इंतखाब में भी ये बहुत जिद्दी होंगी, जब भी ये करेंगी इंतहाई जिद इनके अंदर होगी। इनको जितना भी कोई कुछ कह देगा ये नहीं मानेंगी, जब तक चाहे वो इनके इनके बारे में ये शेर सादिक आता है कि जब तक के 20 साल से कुछ कम थी रेशमा, आमादाएं निकाह न थी एक लेक्चरार से, अब जबकि सर के बाल भी होने लगे सफेद, आमादाएं निकाह एक चौकीदार से। ये सब कुछ हो सकता है। यासिर का मतलब ये होता है, यासिर नाम के जितने भी लोग, अब चूंकि इनके साथ यासिर हुसैन लगा है, तो उस हुसैन को हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हुसैन बुनियादी तौर पर इनका नाम नहीं है, ना मेरा नाम है, हुसैन आसमान से उतरा हुआ नाम है, इसे हम उसको अलग रखते थे। अब यासिर की बात करते हैं। यासिर नाम के जितने भी लोग हैं, अब वो अपनी अजदवाजी ज़िंदगी में वो एक ही रहते हैं। ये लाख कोशिश कर लें, इधर लाइन मार लें, उधर मार लें, होगी एक ही, दूसरी नहीं हो सकती। दूसरी के लिए आमिर बनना पड़ता है। दूसरी के लिए आमिर इससे बनना पड़ता है। आमिर आमिर हो तो फिर तुम भी कर सकते। मैं बताता हूँ ना क्यों बनना पड़ता है, आमिर से बनना पड़ता है। आमिर कहते हैं मैमार को, तामीर करने वाले को। आमिर अलीफ वाला नहीं, आयन वाला, आयन। आमिर आमिर मैमार, मैमार तामीर करता है। लेकिन मैमार वाला इतना बेचारा उसके साथ बुरा होता है, तामीर करता है जिसकी बिल्डिंग तामीर करता है, उसी घर उसी की बिल्डिंग में अगर वो बाथरूम में इस्तेमाल करना चाहेगा कि भाई आपने तामीर कर दी, बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाता है। तो आमिर जैसे कर, तो यासिर साहब जो है वो यकतरफा एक ही शादी पर अपनी तवज्जो मरकूज रखेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह तो ये है ही, लेकिन उसके साथ आगे माशाल्लाह भी है, और फिर सुभानअल्लाह भी है, और फिर उसके बाद इन्ना लिल्लाह भी है। उसके बाद फिर आगे जब हम बढ़ते तो यासिर का एक और खास जो मैं बताऊँ, यासिर नाम के जितने लोग होते, जितने लोग होते इंतहाई जुर्रतमंद, जैसे हजरत अम्मार बिन यासिर थे, हजरत उनके वालिद थे हजरत यासिर, इंतहाई जुर्रतमंद, किसी से डरे बगैर, नुकसानात की परवाह किए बगैर, करियर ख़त्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, लेकिन जो बात कहनी है वो कहनी है, कहकर रहेंगे। और तीसरी सबसे अहम तरीन बात इनकी ये होती है यासिर की, कि ये तो अच्छी बात, जंगजू बहुत होते हैं, बहादुर जंगजू। इनके सामने अगर कोई बहुत डेल डोल वाला आदमी खड़ा हो जाएगा, कहेंगे मैं तुम्हें हरा दूंगा, सिर्फ उसको डरा देंगे कि वो डर के हार जाएगा, लेकिन वो यह हरा नहीं पाएंगे उसे, लेकिन उसको कहेंगे ऐसा कि वो डर के हार जाएगा। और चौथी और अहम तरीन बात ये होती है कि ये बहुत मिलनसार होते हैं, जिससे एक दफ़ा दोस्ती हो जाए उससे हो गई, और जिससे दुश्मनी हो जाए अल्लाह माफ़ करे उससे फिर कभी दोस्ती नहीं हो सकती है। ऐसा है, दुश्मनी कभी है नहीं किसी से, अगर हो गई ना तो आप नहीं छोड़ोगे उसको, आप उसकी नाक में दम कर दो, आप अपनी बात, क्योंकि आप लोग यासिर नाम के जितने लोग हैं उनको बातें करना आती, ऐसी बातें गंदी गंदी करोगे उसे, हमारी गंदी ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें करोगे कि वो जो है वो आदमी कहेगा भाई मैं आपसे दूर भागता हूँ। तो ये लेकिन लेकिन जिसने भी यासिर से एक मरतबा मोहब्बत कर ली वो यासिर का हो गया, और यासिर ने जिससे एक मरतबा मोहब्बत कर ली वो उसका हो गया। ऐसी कुछ बातें हैं ना, बिल्कुल ऐसी, और आपने भी ऐसी आप परफेक्ट, आपने एक वो बस ख्याल रखना कि आज जिद आ जाएगी फिर एक दिन। आइए आइए गल लाइए, आपने जो ये जो कौन सा गुब्बारा आपका, आप बताएं भाई।
रंग बताइए। नहीं नहीं रंग तो गुब्बारे का वो नहीं बता सकते। गुब्बारा आपका कौन सा? देखिए ये 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 फाड़ने वाले गुब्बारे हैं तो इसमें आप नहीं बताना है इसमें कौन सा रंग आपका। मुझे छोटी गन दे। छोटी गन इनको दे दे। अच्छा कोई सा भी गुब्बारा कोई फाड़ दे। हाँ बताओ लड़की रंग बताओ। कोई भी कोई बोलो बोलो कोई भी बता दो ना। ऊपर वाली ये नहीं बोलते। बोतलें मेरी है। बोतलें आपकी हैं? बोतलें सारी काम की है। बोतलों का काम से पहले रमजान के बाद रमजान दोनों बात बोतल गरी में काम करता हूँ। अपनी दो बुराइयां और दो अच्छाइयां बता। हाँ बताओ। दो दो अच्छाइयां और दो अच्छाइयां। दो बुराइयां। बुराई यही है कि हक की बात बोलने से बाज नहीं आता। वाह एक बुराई तो ये है। वाह हुसैन हो ना आखिर में आगे। ये तो अच्छाई है। ये बुराई कैसे आज के दौर में? ये बुराई आज के दौर में अच्छा। आज के दौर में दो बच्चे पल जाए तो अच्छी यानी बुराई है। कौन से हाईवे पे खड़े हैं आप? कौन से ट्रक पड़ रहे हैं? देखिए ये तो बहुत आपको पता होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है के? आज के दौर में दो बच्चे पल जाएं तो है अच्छे। बच्चों की सेहत भी रहे और बेहतर तालीम भी रहे। बाप का बोझ भी कम से कम। आखिरी बात कर रहे तो माँ दिल शाद रहे हर दम। आज के दौर आइए मगर एक और बात। ये माना कि जिंदगी बच्चों के बिना अधूरी है लेकिन ये भी याद रहे वक्फा बहुत जरूरी है। अरे चले आगे आगे तो आपकी दो बुराइयां एक रह गई। एक बुराई तो बता दी मैंने और एक बुराई है कि मैं अजीब बात है बुराइयां बहुत है वैसे मुझ में लेकिन अभी याद नहीं आ रही। मेरे ख्याल ये इकरा से पूछा जाए तो ज्यादा जल्दी नहीं इकरा से नहीं पूछेंगे हम। इकरा अगर अच्छाइयां बताएगी कोई बुराई। तुमने अभी काम किया एक टेलीफिल्म में। मैं बताता हूं इनकी एक और। हां आप बता दीजिए। मैं बता ये उस दौर में पैदा हुए जिस दौर में उनको पैदा नहीं होना चाहिए। आपको ये आपका दौर दे हमारा आपका दौर आगे 20 साल के बाद का। ये तो बात है हम लोग जल्दी आ गए। चलो वापस चलते अच्छा तो अच्छा तो अच्छा तो अच्छा अच्छा तो अच्छाइयां ये बुराइयां अच्छा, हो गई। ओके अच्छाइयां ये है कि मैं केयरिंग हूं। हाँ केयरिंग बिल्कुल है। ओ यासिर केयरिंग है। केयरिंग है। और दूसरी अच्छाई ये है कि धोती पहनते हैं क्योंकि देखिए धोती के बड़े फायदे हैं। धोती का सबसे बड़ा फायदा है कि उसे धोने की जरूरत नहीं पड़ती वो खुद ही धोती है। हाँ हाँ वाह। नहीं नहीं पंजाबी में कहते हैं धोती धोती नहीं धोती नहीं। हाँ धोती नहीं धोती तो धोती का मतलब ये होता है कि आप उसको धोए मत वो तो है ही धोती। शुक्र है आप नहीं पहनते। मैं पहनता जो मम्मू आपने समझ रखा है ना धोती का। अगर मैं नहीं पहनता तो मेरी वजह से लोगों को मौसम का हाल पता चलता क्योंकि मैं गर्मी में नहीं रह सकता तो मैं थोड़ी थोड़ी धोती ऊपर करता रहता। और एक वक्त ऐसा आता कि बकौल उमर शरीफ साहब के लोग कहते हजरात आमिर लियाकत को देखना मना है। आइए हो गई ना दो अच्छाइयां इससे पहले कि सुनना भी मना हो जाए। आइए आप यहाँ बैठे यहाँ बैठे। अब आप मैं तो बोतलों का दूंगा। बोतल का मैं तो बोतल का मारू। अच्छा आपके आपका निशाना मैं लूंगा। आपका निशाना मैं लूंगा। आपका निशाना लग रहा है इसको बजाने से। आपके लिए निशाना ले रहा हूं। आपका निशाना नहीं ले रहा हूं। जी डॉक्टर साहब फाड़ दिया गुब्बारा। या मैं जब कुछ करता हूँ फिर कान लेते हुए हरूफ तहजी बताएं क्या समझ नहीं आया। हर वक्त कहते हैं जगह पे सेंटर पे आओ। सेंटर पे तो हूँ मैं भाई। हिचकी लेते हुए हरूफ तहजी सुनाएं। हाँ हिचकी मैं बता दूँ हिचकी लेते हुए आपके जैसे हिचकी आते उसके क्या सुनाना है हरूफ तहजी। आप ABCD सुना दे। ए बी सी डी इस तरह ABCD सुनाएं।
अच्छा ये मेरी पक्की बैंड बजेगी। नहीं कोई इस वीडियो हम रोज अपनी बजवाते हैं यहाँ पे बैंड, हमने कभी किसी कुछ कहा आखिरी इसकी तो ले लो जेड आखिरी। आपने नागौरी दूध हाउस में कभी काम किया? कभी किसी नामुनासिब जगह या वक्त पर शदीद हंसी आई है? अभी आ रही है। नामुनासिब नामुनासिब जगह नहीं है। हाँ। नामुनासिब वक्त है, कहा है ना 7 बजे के बाद नहीं आएगा। हाँ। आ जाइए आइए। ले तो दिया उसने जवाब बेचारे ने। हाँ। अच्छा वो गन गए गन। ऊपर ऊपर आइए ये ये ये। ओहो ये तो अमर बहुत अच्छे से कर लेगी। मस्नूई आंसू निकाल कर दिखाए। हाँ मस्नूई आंसू निकाल। मस्नूई आंसू आप समझे, आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को उष्ण शाह समझे। अच्छा उष्ण शाह समझे। ठीक है कौन सा कैमरा है? शादी से इनकार कर दिया। लेकिन आंसू आ गए देखे। अरे आ गए यार आपको देख के। आ गए आ गए आ गए। इससे पहले कि मेरा मेकअप खराब हो गया। मैं इतना बुरा हूँ मैं। तुम बीच में कहाँ से आ गए? चुप रहो यार। ये हमारा सीन चल रहा है। मैं इतना बुरा हूँ क्या? मैंने तुम्हें तुम्हारी हर आरजू पूरी करके नहीं की? डॉक्टर साहब नहीं। क्या मैंने नहीं चाहा? क्या मैंने नहीं चाहा कि तुम्हारा भी अपना एक घर हो? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुम रो पड़ी। सिर्फ मैं आया और तुम रो पड़ी। डॉक्टर मेरा मेकअप खराब है, टिश्यू चाहिए। वैसे बहुत सारी तालियां आंसू निकालने पर, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। वेरी 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 वेरी। अरसलान सीखो। गलत रोते हो तुम है? हाँ ये लोग आपको पता है ना, बाद में बताऊंगा। हाँ। अच्छा निशान लगाए यासिर भाई। आपकी बारी। मेरी बारी नहीं यासिर भाई। मेरी बारी। यार कमाल आसिर भाई मुझे देखिए कमाल हो रहा है, मेरी जिंदगी का क्या असर हो रहा है। लगा दिया निशाना। किसी चीज पर पैसा खर्च करने में, किस चीज पे पैसा खर्च करने में जान जाती है? किस चीज पर पैसा खर्च करने में जान जाती है? कपड़े खरीदने में फजूल खर्च। अच्छा मुझे नहीं लगा, मैं इनके साथ अभी एक टेलीफिल्म कर रही थी, इन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में बताया, इस चीज पे पैसा लगाओ, यहाँ पे सेविंग करो। टाइम पास कर रहा होगा, टाइम पास कर रहा होगा, वक्त नहीं गुजर रहा होगा। टाइम पास नहीं नहीं ये ही इज गुड विद दैट। हां लेकिन टाइम भी पास करता है कभी कभी। आखिरी आपकी तरफ से आखिरी। जी जी फिर बोतलें मेरी हैं। जी जी बिल्कुल बोतलों में कुछ ये कौन सी बोतल है?
ये कौन सी बोतल है? नहीं नहीं नहीं, ये इनकी तरफ। अच्छा अच्छा, आप जाएंगे ना। इन सेकेंड। सात जानवरों की आवाजें निकाल। भाई ये चीटिंग है, ये सबसे उल्टी चीजें मेरी क्यों निकल रही है, यासिर की क्यों नहीं निकल रही है? एक तो आप आराम से निकाल दे, मियाऊ। हाँ, वाह 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 वाह, हमारी बिल्ली मिल गई, हमारी बिल्ली मिल गई, एक हो गई थी। अच्छा आप मिले दूसरी, आ दूसरी आप निकाले। तोता, तोता कैसे? हाँ दोनों बोले भाई, तोता। तोता कैसे बोलता है? तोता, तोता कैसे बोलते भाई? सर ये तो तोते से पूछना पड़ेगा। तोता कैसे बोलते? नहीं शेर, शेर ऐसे बोलता है ना। अगर ये शेर है ना सर, अब शेर ऐसे ही बोलता है, अब शेर ऐसे, अब शेर ऐसे ही बोलता है, अब शेर ऐसे ही बोलता है। ठीक है, आप कर ले, आप उसकी भेड़िए की आवाज निकाले। अच्छा मेरी जो, मेरा जो ड्रामा था ना बेलापुर की डायन, उसमें मैं साउंड इफेक्ट बकायदा गुर्राने का निकाल 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 वो था। हाँ। अभी निकाल ले रहा। नहीं नहीं नहीं, आप इधर देखिए, आप देखिए, आप बेलापुर की डायन है, मैं भेड़िया हूँ, निकाले। नहीं वो एक्चुअली गुर्राना था, वो भेड़िया नहीं था। बस अच्छा ठीक, आजा अब आप निकाले बकरी। इससे पहले कि इनके अंदर के जानवर वाकई बाहर आ जाए, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मैं अच्छा, अब एक खाली निकालते जो मुझे ये लोग बंदे नहीं दे रहे, सिर्फ आपने फनकार निकालनी है। फनकार क्या? फनकार होती है क्या? मैं ये डेडिकेट करती हूँ मौका यासिर को, आप फनकार निकाले। आप आपने जो था कैसे आवाज? डॉक्टर साहब मैं डायन थी, नागिन नहीं थी। ये आपने बेस्ट निकाली है। ऐसी आवाज कोई नहीं। अब मेरी, अब बोतलें मेरी है दो सिर्फ जी, कहाँ की गली। यासिर भाई आपने बोतलें, मैं दिख रहे हैं क्या कर रहे हैं? सिर्फ दो बोतलें, आपकी कैपेसिटी कम है। मेरी चार बोतलें हैं, दो आपकी है, दो इनकी है। ओके देखिए ना, अरे हिल गए, देखिए नहीं उसमें क्या है। अच्छा ये भी नहीं, 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 नहीं उसमें क्या है। पूल में होने वाली पीटी की वो एक्सरसाइज करके दिखाएं है? वो एक्सरसाइज करके दिखाएं, पूल में होने वाली पीटी की दो एक्सरसाइज, और मैंने पढ़ा क्या है कि होने वाली पीटीआई की एक्सरसाइज करके दिखाएं। वैसे होने वाली पीटीआई है मुश्किल वाली नहीं की आपने जी, मुश्किल वाली नहीं किया, मुश्किल वाली क्या वो कर लेता हूँ। एक, एक दो तीन चार पाँच छः गरज चमक चमक गरज पानी गया बरस बरस, गरज चमक 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 पानी बया बया बरस बरस। नहीं नहीं ये है नहीं, दोबारा दिखा देंगे। गरज चमक चमक गरज पानी गया बरस बरस, गरज चमक चमक गरज पानी गया बरस, गरज चमक चमक गरज पानी गया बरस, गरज चमक चमक गरज पानी गया बरस। ठीक आखिरी, भाई साहब देखे जमाना, भाई साहब तीर पे तीर चलो, भाई साहब बचके ना कोई जाए, बचके ना कोई जाए, भाई साहब कोई भी पोएम जो है नाक से गा कर सुनाए,
कोई भी पोएम नाक से गा के सुना मेबी बेबी यस मामा ईटिंग शुगर नो मामा टेलिंग लाइज हां मामा हां हां ओपन योर माउथ तो आपने कहा ओपन योर माउथ नहीं कहा दोबारा कर दो दोबारा जी हां मेबी बेबी यस मामा ईटिंग शुगर नो मामा टेलिंग लाइज नहीं टेलिंग अ लाइज टेलिंग अ लाइज हां क्या आगे नो मामा टेलिंग अ लाइज नो मामा ओपन योर माउथ हां हां आखिरी बोतल भाई यासिर भाई बोले आखिरी बोतल उसकी दिन उनकी जिंदगी बोतल के बगैर नहीं गुजर क्लासरूम में टीचर से पढ़ने वाली वो डांट जो आज तक ना भुलाई गई हो क्लासरूम में क्लासरूम में क्लासरूम में क्लासरूम में मेरा नहीं ख्याल आपको पढ़ी नहीं पढ़ी है तू नहीं पढ़ी डांट वाले बच्चे ऐसे नहीं होते नहीं नहीं मैंने काम ही ऐसा किया था क्या बता दो शो में बताएंगे पानी क्या बात अपनी जिंदगी खुली किताब की तरह अगर यहाँ नहीं बताया कोई इलेक्शन के नतीजों के दौरान बताएगा भाई हुआ ये कि हमारी थी एक मिस नौशीन मिस नौशीन नौशीन हाँ खूबसूरत थी अच्छा इंग्लिश की थी अच्छा अच्छी लगती थी माहौल नहीं बनाए आप किस्सा सुनाए और मैं उनके पास गया मैंने उनसे कहा मुझे आपसे शादी करनी क्या मुझे आपसे शादी करनी ये कौन सी क्लास में सेवेंथ अच्छा बहुत मारा हूँ और स्केल से यहाँ पीछे मारा आज भी बैठते तकलीफ होती तभी तो मैंने फिल्म बनाई पीछे तो देखो मेरी फिल्म ठीक है पीछे तो देखो हाँ पीछे देखो आए वो फरे थे वक्फे फाज होते जीवे पाकिस्तान 2.0 जीवे पाकिस्तान 2.0 में एक बार फिर आपको खुशामदीद और हमने पिक्शनरी खेल रहे हैं पिक्शनरी में से पर्ची हमने इनको दे दिए इन्होंने देख लिए उनका मुंह उधर करा दिया मुंह उधर कर लो उन्होंने मुंह उधर कर लिया अब आप मुंह सीधा कर लें हाँ अब जो आपने देखा है जो भी आपने देखा है जैसा भी देखा है मजा के बनाए अच्छा हमें दिखाए पर्ची तो एकदम है आप उधर देखेंगे नहीं उधर देखेंगे ये कुछ बन रहा है धोती संभाल के ज्यादा गिरना था ये जी नहीं ये असल में जो आप बना रही है जो कुछ भी आप बना रही है ये बस आप बना रही है अल्लाह माफ करे आप ये साइंस में पढ़ा ज्योमेट्री थी आपको सॉरी आपके पास केमिस्ट्री बायोलॉजी थी ये तो बहुत ही बुरी चीज है भाई बहुत बुरा है बहुत बुरा है भाई ये सही नहीं बना रही बहुत घटिया बना रही है बायोलॉजी की बायोलॉजी पढ़ी है हाँ जी बायोलॉजी में डायग्राम्स वगैरह नहीं बनाए कभी हाँ जी बनाए ना हाँ। तो आपको मिलते होंगे 10 में से 1 नंबर ये ब्लैक है सारा ये ब्लैक है हाँ अजी और ये क्या ये ऐसी खाली ये ब्लैक है चेस हाँ इस तरह बनाया
चेस बोर्ड बनाया, लेकिन चेस बोर्ड के साथ हाथी नहीं बनाया, घोड़ा नहीं बनाया, बादशाह नहीं बनाया, वजीर बनाया। तो ये मैं उस तरह बना सकती हूं, बादशाह तो ये बना भी नहीं सकते ना, बादशाह का तो पता चलना है ये उसके ऊपर उसके वो है, मगर प्यादा तो देख लो। प्यादा तो देख लिया, लेकिन गेस करा दिया। वेरी गुड, गुड भाई, अमर के लिए तालियां। आइए चल भाई, अमर आप देखेंगे नहीं कुछ, आप उधर जाए। हाँ जी, अच्छा एक बात बताओ, आपस की बात, अदाकारी तो आप कर रहे हो इसमें कोई शक नहीं, आने वाले दिनों में क्या आप कोई खानका बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? खानका मतलब खानका कोई बुजुर्गों का अड्डा वगैरह कोई जगह, क्योंकि इतनी अंगूठियां इतनी सब कुछ, सिर्फ ये रह गया, ये भी इस कॉस्ट्यूम के साथ है ना? अच्छा इसको, अच्छा ये तो मुझे पता नहीं ना यार, बताओ ये चश्मा इस कोट के साथ है। हाँ तो मुझे पता नहीं ना, मुझे बता रहा हूँ आप पूछे मुझसे। अच्छा चलिए सही, चलिए चूल्हा आग निकल रही है, टिश्यू बॉक्स चूल्हा आग निकल रही है, वाह वाह, बॉक्स है ये रोज पेटल का, रोज पेटल क्योंकि हमें स्पॉन्सर किया ना भाई रोज पेटल। मेरी बात, अब आपकी बारी एक बार फिर जी। जल्दी गेस कर लेना, मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है। जो दिखाया है उस आदमी पे कभी कोई दीवार, वो तो ट्रेन 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 ट्रेन। एक बात कह सकते, एक बात कहें, ये मैं मिटा लेगी। ऐसी ट्रेन थी और एक साथ ही एक ऐसी ट्रेन थी, तो इंटरव्यू हो रहा था एक आदमी का, वो जो ट्रेनों का कांटा बदलता है, उसको बुलाया, उसको कहा कि भाई ये ट्रेन है और एक ट्रेन ऐसी आ रही है, फर्ज करो कि तुम्हारा कांटा बदलने का सिस्टम बेकार हो गया तो तुम क्या करोगे? उसने कहा मैं झंडी दिखाऊंगा, लाल झंडी दिखाऊंगा ट्रेन, ऐसी ट्रेन रोकने के लिए जिसके 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 एक डब्बे में, जिसके दो डब्बों में तो सही पहिए लगे हुए, एक डब्बे में पहिया ही दूर लगा हुआ है आगे का। फर्ज करो अगर लाल झंडी भी ना हुई तो तुम क्या करो? कह रहे मैं सामने आकर हाथ लाऊंगा, रुक जाओ। कह रहे अगर ये ट्रेन तब भी ना रुकी तो तुम क्या करोगे? उसने कहा मैं अपनी अम्मी को बुला के लाऊंगा। तू अपनी अम्मी को क्यों बुला के लाओगे? ऐसी कि उन्होंने कभी ट्रेनों की टक्कर नहीं देखी। ये आप ही करें। ये मैं दिखा रहा हूँ, दिखाने का इसका तरीका है, जो चीज है उसको दिखाने का तरीका है। फूल, गुलाब का फूल, फ्लावर। अगर आप देख रही हैं तो देखने के यासिर ने आपको यही दिया था, फूल। हाय हाय, वाह वाह, कांटे मत लगाने यार, कांटे मत लगाने यार। क्या रोज फूल है, रोज है और क्या है? ये तो मैंने पहली बोल दिया था पर वो कांटे जो थे ना, रोज कांटे। हाँ हाय हाय, कांटे मत दिखाया करो यार, मेरी चुप जाते हैं देख के। फिर आमिर लियाकत और यासिर और अमर,
तीनों आपके साथ मौजूद होंगे, लेकिन हम खेलेंगे उसके बाद सांप सीढ़ी। अरे जी पाकिस्तान 2.0 में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और ये इस वक्त हेड्स अप होने वाला है। और इसमें ये है कि एक कार्ड पर कुछ लिखा हुआ है, दूसरे कार्ड पर कुछ लिखा हुआ है, एक पर एक्टिविटी करेंगी अमर और एक बार एक्टिविटी करेंगे यासिर। तो अमर दिखा देंगे यासिर को, लेकिन आप देखेंगे नहीं। जी जी। आप देखेंगे नहीं। आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आके खड़े हो जाइए। आओ उठाए मत, उठाए मत, उठाए मत, खड़े हो जाए, देखिए मत, देखिए सिर्फ मुश्किल देखिए, सिर्फ मुश्किल देखिए, सिर्फ मुश्किल देखिए, मुश्किल देखते हैं भैया। ट्रेन आई कुली कुली यस आगे 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 ट्रेन अच्छा बता दिया तो आप उसको देखिए आप उसको देखिए आप सिर्फ उसको देखिए डॉक्टर साहब अपनी गेम ना चलाएं मेरे साथ गेम अच्छा हाँ ये मुझे चुन के इन्होंने मुश्किल दिया है सुए अदालत मुल्जिम कटहरा मुल्जिम मुजरिम वकील आप मुझे देखिए जी जी मैं आपको ही देख रही हूँ तो खेल रहे थे। आज कंचा पहना भी हुआ है ये कंचे हैं खेल रहे थे अच्छा खेलना इनको देखकर तो लोग कहते कंचा अच्छा चले अच्छा हाँ अखबार पढ़ना अखबार जहाँ पढ़ लेते हैं आप भी कर लीजिए जी जी बिल्कुल धोती कराटे 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 हाँ कराटे बात हो जाएगी एक ही बात असल में अब वो क्या करता तो उसके पास है उसी के साथ कर रहे कर लिया क्या गोलगप्पे खा लिए आपने म्यूजिक ही बजाया गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे सिर्फ मेरी तरफ देखना बिल्कुल ठीक दुनिया में किसी को नहीं देखना नहीं नहीं अमर शॉट हॉकी हॉकी लेफ्ट आउट में आता लेफ्ट आउट राइट आउट होता है यहाँ से आता यहाँ से यूं निकलता है यहाँ से आपने खेली डॉक्टर साहब हॉकी मैं हॉकी खेलता था अच्छा हाँ क्योंकि इसमें डी होता था अब फिर 25 लाइन होती अब फिर आगे नेट होता था अंदर घुस जाओ नहीं चला आखिरी हाँ ठीक है कुकिंग कुकिंग बाबरची यस ओके ओके बाबरची कुकिंग कुकिंग हो गया आपने मेरी तरफ देखा जी जी बिल्कुल तब से आपकी तरफ ही देख रही जब से नहीं हमेशा मेरी तरफ देखना पायलट प्लेन क्रैश हो गया
डाइव, पैराशूट, हाइक, पैराशूट देख सही है, कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, नहीं नहीं बंजी जंप, हाँ पैराशूट जंपर, ठीक है सही है, ठीक है ठीक, पैराशूट बंजी। अब आपके पास बचे तीन, आपके पास बचे, हाँ बचे तीन, चार हैं, चार चार, रुक जाए। अच्छा ये किससे बताओ, ये मुश्किल है, नहीं नहीं यूं यूं नहीं करो, यूं नहीं करो, ये क्या है, मछली, हाँ मछली पकड़ना, मछली पकड़ना, वेरी गुड, आमिर भाई की तरफ इशारा कर देती, हाँ हाँ, आमिर भाई की तरफ इशारा करने के लिए, आमिर भाई की तरफ इशारा करने के लिए मगरमच्छ बनाना पड़ता है। आखिरी आखिरी, अच्छा ठीक है, रोटी, रोटी पकाना, रोटी पकाना, नान बनाना, पिज्जा नहीं, गोल बनाया, मैं बताऊं, जलेबियां, जलेबियां, हाँ, क्या, कौन, जलेबियां बनाना, कौन बना रहे हैं, हलवाई, हाँ गुड नाइस। अच्छा अब आप दोनों बैठ जाए, बैठ जाए दोनों, बैठ जाए, अब आप गेस करिए, क्या हुआ, हमारी कोई शिकायत आई नहीं, ये दोनों आपके पास है, आप पे जो जोश है रखकर मुझे दिखाएं, मैं करके कोशिश करूंगा, वहां दिखा दे, वहां पे पहली हंसी की बात है, मुर्गी पकड़ना, मुर्गी पकड़ना, तुम्हें बहुत जल्दी थी, मैं चाह रहा था मुर्गी पकड़ लेंगे एकदम, मिस करवा दे भाई साहब, आपका पेट इतना ही बड़ा है क्या? अच्छा रक्षे वाला, हाँ सर, माशाल्लाह क्या क्या लग रहे हैं आमिर भाई, क्या लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ प्यारा रमजान हमारा रमजान, प्यारा रमजान हमारा रमजान, कमाली, हाँ कमाली। आइए आ आ आखिरी आ जाए, सांप सीढ़ी आ जाए, नहीं है ये दो रह गए, दो रह गए, दो रह गए, देख रहे हैं भाई, हाँ माली, माली आखिरी, वेरी गुड, करने दो, किधर है, किधर है, व्हाट एन एंजॉयबल गेम यार, बहुत बहुत, पूरी टीम के लिए तालियां, पूरी टीम के लिए तालियां। अच्छा जी आ जाए, आहा चार होने चाहिए या पूरे, हाँ पहले इधर आए, यकुम के बाहर, यकुम के बाहर, यकुम यकुम दोनों यकुम, पहले में यासिर की तरफ से, हाँ जी ठीक है, हाँ जी इसकी चाल देखी आपने, हाँ जी एक से शुरू हुए, हाँ
पता था कि छह पे आना, मैं ये पूरा आ जाता हूँ। रीटेक। हाँ, ये आपका है, ठीक है। पांच पे सीढ़ियां। ज्यादा फायदा तो बोले एक ही नंबर। आपके हाथ में होगा तो खातून ही जीतेंगी। नहीं, आप जीते। नहीं, नहीं, आप। कल भी आगा ने यही कहा था, जीता वही था। अच्छा। अब यासिर आपने देखा, आप जीते बचे, आप आपको देखे। पांच सात दुम के पास, दुम के पास छोड़ा, दुम के पास। यार एक मिनट, पहले म्यूजिक चेंज करवाए। नहीं, म्यूजिक चेंज होगा। कौन सा होगा? हम नादिया खान नहीं है तो क्या म्यूजिक नहीं बजेगा? वाला नहीं होगा, वाला नहीं। नहीं, म्यूजिक बजेगा, वो अंदर से निकल आता है। ये हमारा कसूर नहीं है, वो अंदर से। नहीं नहीं नहीं, हम तो उस म्यूजिक की वजह से इस शो पे हैं। अंदर छुपा के रखा। प्लीज बजाए, आप सबकी फरमाइश पे। म्यूजिक वही बजेगा। बजा दो, बजा दो, बजाए भाई, बजाए हम। बजा एकदम कितना अच्छा था वो। वो मैसल में अंदर का नाच छुपा रहा था, याद है आपको? ओ, नगीना फिल्म, नगीना का नंबर, नगीना टू। नगीना टू में, नगीना टू थी ना जिसमें निगाहें थी, निगाहें। हाँ, निगाहें, 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 निगाहें में थी। उसमें अपने आप को बहुत कोशिश करती है, अभी जब बाहर आती है। हाँ। पांच 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 पे आता है। नहीं भाई, सोलह सोलह सही है, सही चार पांच, बिल्कुल सही, सही। क्या हो गया? चार। यार आमिर भाई नहीं आया। 20 नंबर पे आ गए आप, 20 पे आ गए, 20 पे। छः। ये मेरे साथ गलत हुआ, चीटिंग हुई। अब बोला अच्छा आदमी कौन है? मैं तो शुरू से कहता हूँ बच्चे आदमी। आप आदमी बहुत अच्छे हैं, आपने पार्टी गलत चुनी। चले जी, आसिफ भाई। नहीं नहीं गलत, आप एक वो उधर को जाना। अच्छा, इधर चलना है। दो यासिर की चार आ जाए, 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 यासिर की चार आ जाए। आप मेरी साइड पे क्यों नहीं है? मैं आपकी साइड पे आ जाऊं? चलो आप लोग बताओ, मुसलमानों और जो फालतू लोग बैठे हो वो भी बताओ, किसकी साइड पे होना चाहिए मुझको? तालियों की गूंज में, क्या मुझे अमर की साइड पे होना चाहिए? क्या मुझे यासिर की साइड पे होना चाहिए? नहीं। हाँ, देखा देखा देखा, अमर की साइड पे मेरे साथ। अब आप मेरे साथ हैं। छह पे आ रहा है, मेरा है, आपका है। मैं तालियां बजाने वालों के चक्कर में आता ही नहीं हूँ। आग।
गेम खत्म थोड़ी हुआ। अच्छा आप यहाँ से चले थे ना, तो वहाँ उतरना भी था आपने, एक तो आना पड़ेगा, एक के बगैर आप जा सकते। अच्छा हाँ इधर ही हाँ वो एक भी तो चाहिए होता ना। एक चाहिए आप मेरा है रुके रहे पांच पांच दोबारा ये मुकाबला जीत दिया है। जितना जितना अच्छा आप ये गेम कराते हैं अगली दफा इलेक्शन आपको करवाएंगे। आप फिरदौस के नाम पहनती है जी बिल्कुल आप ये पहना करें। आपको फिरदौस की लोन का कोई ताल्लुक नहीं, सुशील की वॉच आपके लिए। और नाज़िम यहीं पर यासिर अब बहुत अच्छा लगा आपके साथ सर, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपसे ये कहूँगा कि गो के आपके उस्ताद मोहतरम अनवर मकसूद जैसी हस्ती हैं और बिलाल भाई का भी फ़ोन है। बिलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने फ़ोन किया, अभी बात की। अनवर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर के मुस्तकबिल के बारे में मैं आपको बता दूँ, अब मेरा ज़ाहिर कि सियासत से भी ताल्लुक है, बहुत सारी चीज़ों से ड्रामा भी कर लेता हूँ ये सब कुछ भी, लेकिन आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इंडस्ट्री को अगर कोई बहुत बड़ा अदाकार मिलने वाला है तो उसका नाम है यासिर हुसैन। और इसी तरह अपनी वालदा के नक्शे कदम पर चलते हुए मेहनत के साथ जिद्दोजहद के साथ किसी सिफारिश के बगैर अगर किसी ने अपना नाम बनाया तो वो लड़की मेरे सामने खड़ी है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि ये कभी भी आप ड्रामा इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकेगी, ये कामयाब होगी तो फिल्म इंडस्ट्री में होगी, बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी एक दिन। बहुत बड़ी हीरोइन पाकिस्तान की बनेगी, जिसको लोग कहेंगे कि कभी जब जिस जमाने में बाबर शरीफ और शबनम की याद आया करती थी उस जमाने की। थैंक यू सो मच। आमिर इज गोइंग टू साइनिंग ऑफ जी वे पाकिस्तान 2.0। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, आमिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जरा जोर से मिलकर आलतू फालतू सारे लोग नारे लगा दो जी वे पाकिस्तान।